हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश। मैं हूं नीलेश मोदी और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्टडी विद नीलेश में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कार्बन एंड कंपाउंड्स में कार्बन के बारे में पढ़ा था, ये जाना था कि कार्बन जो होता है वो एक नॉन मेटल होता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखे थे कि कार्बन जो होता है वो नेचर में हर जगह पाया जाता है, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ठीक है, या फिर ह्यूमन बींग्स हो, तो सब जगह पाया जाता है। और हम लोग ये भी जान पाते हैं कार्बन की वजह से ही कि कौन सा वस्तु जो होता है वो कितना पुराना होता है, उस टेक्निक का नाम क्या होता है, C14 टेक्निक, ठीक है। तो हम लोग देखे थे कि कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है, और 4 वैलेंसी होने के कारण ये ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाता है और ना ही लूज कर पाता है। इसके पीछे का कारण भी हम लोग देखे थे। हम लोग ये देखे थे कि कार्बन जो है वो एक तरह का कोवेलेंट कंपाउंड है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कोवेलेंट बॉन्ड वैसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेयर किया जाता है, ना ही लूज किया जाता है और ना ही गेन किया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे, सबसे पहला चीज वो देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, मतलब कि कोवेलेंट कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नंबर पॉइंट का। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। बोल रहा है कि ये जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है उसके बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, वो कैसा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो लगता है वो कमजोर होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड की अगर बात करें, आयनिक कंपाउंड में कौन आता था, आयनिक कंपाउंड में आपका आता था NaCl, है ना, NaCl। तो NaCl में कौन सा बॉन्ड होता था, आयनिक बॉन्ड होता था, और इसके बीच में जो फोर्स लगता था वो क्या लगता था, कौन सा फोर्स लगता था, इसके बीच में जो फोर्स लगता था वो लगता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये जो फोर्स होता था वो थोड़ा मजबूत होता था, लेकिन इसके बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, कमजोर होता है, जिसके वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, कमजोर होता है, ठीक है, कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट हो गया। सेकेंड नंबर पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, बोला दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन पार्टिकल्स एंड नो चार्जेस आर फॉर्म्ड। बोल रहा है ये जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मीन्स अच्छा से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवा पाता है, मीन्स बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे तो फ्लो करेगा ही नहीं, क्यों नहीं करेगा, तो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसके पास था इलेक्ट्रॉन कितना, 4, और 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेता था, पूरा शेयर कर लेता था। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो करेगा जब फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा इसके पास, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन था, चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, तो इसके पास तो अपना कोई पर्सनल इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं, और जिसके कारण से इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता। और एक और कारण क्या होता है कि इसमें कोई चार्ज फॉर्म नहीं होता है। इसमें बात करें NaCl की बात करें तो NaCl में हम लोग देखे थे कि ये जो था NaCl, ये सोडियम, तो सोडियम पे प्लस चार्ज आता था, और इस पर कैसा चार्ज आता था, Cl पे नेगेटिव चार्ज आता था। और जब इसको वाटर में हम लोग घोलते थे तो क्या होता था, एक्वस सॉल्यूशन जब इसका बनाते थे तो इसमें करंट पास करवा कर जाता था क्योंकि इसका आयन बन जाता था, चार्ज फॉर्म्ड हो जा रहा था। लेकिन इसमें क्या होता, कोई भी तरह का चार्ज फॉर्म नहीं होता, जिसके कारण से ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। तो समझ में आ गई, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो अब जो है देखते हैं कि जो टॉपिक है हम लोग का वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन का एलोट्रॉप्स, ठीक है। तो समझते हैं कि एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है। तो बोला डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज एलोट्रॉप्स। इसका मतलब हुआ कि बोल रहा है कि एक एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म, एक ही एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म जिसके पास क्या होता है कि एक ही तरह का केमिकल प्रॉपर्टी होता है लेकिन अलग अलग तरह का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए फिर से, एक ही तरह का एलिमेंट कौन सा, कार्बन, है ना। तो कार्बन जो कि एक एलिमेंट है, इसका अलग अलग फॉर्म मीन्स अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ठीक, अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, और इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर का वो बिल्कुल सेम होगा,
लेकिन उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। और अगर कार्बन का एलोट्रॉप्स अगर पूछे तो क्या बोलेंगे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन दैट हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉन एज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, समझ में आया। और जो देखिए कार्बन का जो एलोट्रॉप्स होता है वो तीन तरह का एलोट्रॉप्स होता है कार्बन का, ठीक है। मतलब कि कार्बन का स्ट्रक्चर जो होगा वो अलग अलग तरीके से, तीन तरह का स्ट्रक्चर होगा। उसका केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगा वो सेम होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होगा उसका चेंज होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है डायमंड। तो डायमंड आप लोगों को तो पता होगा कि ये नॉन मेटल होते हुए भी क्या होता है, सबसे ज्यादा लस्टरस होता है, और ये पृथ्वी पर सबसे हार्ड नॉन मेटल में से माना जाता है। मतलब पृथ्वी पर ओवरऑल मेटल देखे या नॉन मेटल देखे, सबसे हार्ड यही माना जाता है डायमंड। उसके बाद ग्रेफाइट, आप लोग पेंसिल देखोगे, पेंसिल जिससे हम लोग लिखते हैं, तो वो जो पेंसिल होता है उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। इससे क्या होता है, करंट पास होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, करंट पास होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तीनों जो है वो कार्बन का ही फॉर्म है, कार्बन का ही फॉर्म है, ठीक है। उसका केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो अलग है। फिर है फुलेरिन। फुलेरिन भी जो होता है वो कार्बन का ही एक रूप है। ये जो होता है फुटबॉल स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। मतलब तीनों का तीनों जो है वो कार्बन से ही बना है, लेकिन इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ चेंज होता है। और तीन तरह का कार्बन का एलोट्रॉप है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन, समझ में आ गया। अब देखते हैं एक एक करके कि डायमंड का एलोट्रॉप जो जो कार्बन का फर्स्ट एलोट्रॉप है डायमंड, उसके बारे में समझने का कोशिश करते हैं। तो अब जो है वो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन जिसका नाम है डायमंड, ठीक है। तो डायमंड एग्जिस्ट एज थ्री डायमेंशनल नेटवर्क विथ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। ये जो होता है वो थ्री डायमेंशनल नेटवर्क में होता है, मीन्स तीन डायमेंशनल होता है, ठीक है। दो जो होता है, देखिए डायमंड का शेप आप लोग यहाँ देख रहे होंगे फिगर में, ठीक है। तो इस फिगर में आप देखिए कि डायमंड किस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो डायमंड जो होता है वो थ्री डायमेंशनल नेटवर्क में होता है, और इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। डायमंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट इज हार्ड इन नेचर विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये जो होता है वो नेचर में कैसा होता है, हार्ड होता है। इसलिए इस धरती का सबसे हार्ड अगर एलिमेंट कोई बोले तो वो क्या होता है, डायमंड होता है, ठीक। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हार्ड होता है। किसके कारण से, क्योंकि ये नेचर में हार्ड होता है। उसके बाद इट्स शाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये लाइट के प्रेजेंस में बहुत ज्यादा चमकता है। तो ये एक ऐसा नॉन मेटल है डायमंड जो कि लस्चरस होता है, ठीक है। तो आपको अगर पूछे कि विच नॉन मेटल इज लस्चरस इन नेचर, तो क्या बोलिएगा, डायमंड। डायमंड जो होता है वो नॉन मेटल है, क्योंकि अभी क्या है, ये कार्बन का एलोट्रॉप है ना, ये कार्बन का ही क्या है, एलोट्रॉप है, कार्बन नॉन मेटल है ना। तो कार्बन नॉन मेटल है तो डायमंड भी क्या होगा, नॉन मेटल होगा, कार्बन से ही बना है। लेकिन ये जो होता है वो क्या करता है, साइन करता है, बहुत ज्यादा साइन करता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। उसके बाद द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ इट इज इन मेकिंग ज्वेलरी। जो सबसे ज्यादा इसका कॉमन यूज है वो ये है ज्वेलरी बनाने में, ठीक है। आप लोग सुनेंगे डायमंड रिंग है ना, कि डायमंड रिंग के बारे में। तो डायमंड रिंग में क्या होता है, इसका यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन कटिंग ग्लास। आप लोग देखे होंगे शीशा काटने का है ना, तो शीशा काटने के लिए जो चीज का यूज किया जाता है वो डायमंड का ही यूज किया जाता है। बिना डायमंड का शीशा आप नहीं काट सकते, ठीक है। वो क्या करता है, प्लेन काटता है, डायमंड जो होता है वो प्लेन काटता है, ठीक। तो ये हो गया आपका डायमंड के बारे में। अच्छा डायमंड का ये स्ट्रक्चर देखिए कि स्ट्रक्चर इसका किस तरह से है। तो यहाँ पे डायमंड का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा। तो इसमें होता है क्या है, बेसिकली देखिए एक सेंटर वाला कार्बन है, ठीक है। एक कार्बन मान लीजिए ये है, तो ये कार्बन हो गया, और इसके ये कितना बॉन्ड बना सकता है, चार बॉन्ड बना सकता है। तो चार बॉन्ड ये बनाता है, तो एक बॉन्ड ऊपर से बनाता है, एक बॉन्ड दाएं से बनाता है, एक बॉन्ड बाएं से बनाता है, और एक जो होता है वो ऊपर की ओर निकला होता है, ठीक है। ऊपर की ओर सामने से ऐसे दो, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, और एक जो होता है वो सामने से निकला हुआ रहता है, ठीक। तो ये चार बॉन्ड इस तरह से बनाता है, जैसा कि आप लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं किसके बारे में।
आगे जो था ग्रेफाइट के बारे में, तो ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं। तो अब जो है वो हम लोग बात करते हैं कार्बन एलोट्रॉप का सेकेंड नंबर, ठीक, जिसका नाम क्या है, ग्रेफाइट। ठीक, सेकेंड फॉर्म क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है उसमें क्या होता है, वीक वंडरवाल फोर्स होता है। क्या होता है, वीक वंडरवाल फोर्स। ये एक तरह का फोर्स है, वंडरवाल फोर्स, जो कार्बन का मॉलिक्यूल्स होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, उसमें वंडरवाल फोर्स लगता है जो कि काफी कमजोर होता है। आप लोग हायर क्लासेस में पढ़िएगा कि वंडरवाल फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो ये काफी कमजोर होता है। इच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद अदर कार्बन एटम। इसमें क्या होता है कि कार्बन एटम जो होता है वो बॉन्डेड होता है दूसरा कार्बन एटम से, ठीक है, और क्या बनाता है, हेक्सागोनल रिंग बनाता है। ठीक है, मतलब कि एक कार्बन है दूसरा कार्बन से अटैच होकर के, दूसरा दूसरा कार्बन एटम से अटैच होकर क्या बनाता है, हेक्सागोनल रिंग। मींस जिसका साइड कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये जो है वो 6 बना पा रहा है पिक्चर में, ठीक है, तो 6 रिंग्स बनाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक कार्बन जो है वो जो बॉन्ड बनाया है वो 3 बॉन्ड बनाया बनाया ना। तो ये ग्रेफाइट में क्या होता है कि एक कार्बन एटम जो होता है 3 बॉन्ड बनाता है, और एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है वो फ्री रहता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाता है। तो जिसके कारण से जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, बॉन्ड कितना बना रहा है, 3 बना रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री रह गया है ना, तो जिसके कारण से ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। उसके बाद इट इज यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट फॉर मशीन पार्ट्स। तो मशीन पार्ट्स में ये एक ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन लीड ऑफ पेंसिल। हम लोग जो पेंसिल से लिखते हैं उसके लीड में भी क्या यूज किया जाता है, ग्रेफाइट यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये चेक करना है कि पेंसिल जो है आपका ग्रेफाइट उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पा रहा है या नहीं, तो आप लोग सिंपली क्या कीजिएगा कि आप लोग एक पेंसिल ले लीजिएगा, ठीक है, तो एक पेंसिल ले लीजिएगा और इस पेंसिल से यहाँ छील लीजिएगा थोड़ा सा, और यहाँ थोड़ा सा छील लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या कीजिएगा, वायर को लगाइएगा, और यहाँ पे वायर को लगाइएगा, और यहाँ पे सिंपली एक बैटरी लगा दीजिएगा, जो आपका हाई वॉट का बैटरी आता है वो वाला, ठीक है। तो हाई वॉट का बैटरी अगर लगा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करता है कि नहीं करता है, ठीक है, और इसमें नहीं होता है तो एक बल्ब भी सेट कर दीजिएगा, ठीक, एलईडी बल्ब जो छोटा सा आता है 5 रुपया या 2 रुपया वाला, तो उसको सेट कर दीजिएगा। तो अगर देखिए करंट फ्लो करेगा तो उसको क्या चाहिए, क्लोज सर्किट चाहिए, तो यहाँ क्लोज सर्किट तो मिल गया। अगर इसमें से पेंसिल में से करंट फ्लो करेगा दैट मीन्स ये बल्ब जलेगा, और बल्ब नहीं जल रहा दैट मीन्स पेंसिल में करंट फ्लो नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो होगा वो फ्लो कर जाएगा, जिसके कारण से बल्ब भी ग्लो हो जाएगा, ठीक है, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं करता है। अब बात करते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है, देखिए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो अब जो थर्ड नंबर कार्बन एलोट्रॉप का बात करते हैं, क्या है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है, वो होलो केज होता है, मीन्स स्फेयर के शेप में होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर, स्फेयर के शेप में होता है, और अंदर से क्या होता है, खोखला होता है, ठीक है, पिंजरा टाइप में होता है, ठीक, फुटबॉल के जैसा। इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू फुटबॉल। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फुटबॉल के जैसा था, और C60 जो था वो फर्स्ट आइडेंटिफाइड फॉर्म ऑफ फ्लोरिन था, C60, ठीक। तो जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं कि ये फुटबॉल के स्ट्रक्चर में है, और ये जो कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड बना था, ठीक है, C60 में, उसमें आप देख सकते हैं कि कहीं पे जो है वो हेक्सागोनल रिंग बना हुआ है, मींस ठीक है, हेक्सागोनल रिंग बना हुआ है, और कहीं पे जो है वो पेंटागोनल रिंग भी बना हुआ है, ठीक। तो ये हो गया फुलेरिन का बात। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब जो है वो बात करते हैं हाइड्रोकार्बन का, कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग नाम सुने होंगे कार्बन कंपाउंड का, ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड क्या होता है, तो जिस वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है, ठीक, वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है, जैसे कि आपका हो गया C6H12O6, C6H12O6 हो गया, ग्लूकोज C12H22O11, शुगर हो गया NH2CO NH2, ठीक है, मिथेन हो गया CH4, इथेन हो गया C2H6, ठीक है। तो ये सब चीज जो है
उसमें क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है, तो वैसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन आ रहा होगा उसको बोलते हैं कार्बन कंपाउंड। अच्छा, कार्बन कंपाउंड के बाद एक और चीज आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो ये वैसा कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन भी आता हो और हाइड्रोजन भी आता हो, ठीक है। जैसे इसमें क्या आता है, कार्बन भी आता है, हाइड्रोजन भी आता है। इसमें भी क्या आता है, कार्बन भी आता है, हाइड्रोजन भी आता है, कार्बन भी आता है, हाइड्रोजन भी आता है। तो इन सबको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। कार्बन आना चाहिए और हाइड्रोजन आना चाहिए। अब जो बात आता है वो हाइड्रोकार्बन्स का आता है, जो कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, तो वैसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही सिर्फ है, वैसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन आए और हाइड्रोजन आए और ये दोनों के अलावा कुछ ना आए, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो देख सकते हैं CH4। इसमें क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है और हाइड्रोजन आ रहा है सिर्फ, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। C2H6, इसमें भी क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है और हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है। तो लिख लीजिए, द कंपाउंड्स विच हैव ओनली ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रो कार्बन, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, तो CH4 एग्जाम्पल में कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, ठीक है, C3H8 हो जाएगा। तो बहुत सारा चीज है जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो इसको लिख लीजिए। तो अब हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ लिए हैं। अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये जो चीज है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। सेचुरेटेड और अनसेचुरेट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो चीज हटा दिया गया, तो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बस जो हम लोग का काम का चीज है उसको यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो वैसा हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं, ठीक है, जिसके जिसमें क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है। कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे देखिए, एक कार्बन एटम हो गया और ये दूसरा कार्बन एटम हो गया, तो इसके बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। अनसेचुरेटेड में क्या होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन कार्बन के बीच में, एक कार्बन एटम जो होता है वो दूसरा कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो या तो डबल बॉन्ड, ठीक है, या तो ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये जगह पे, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाया है कार्बन और कार्बन के बीच में, लेकिन यहाँ क्या ये सही है, अगर इसको बोले सही है तो ये सही नहीं है। क्यों नहीं है सही है, क्योंकि कार्बन जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, चार होते हैं। तो चार में से एक ही इलेक्ट्रॉन ना शेयर किया, तीन इलेक्ट्रॉन तो इसके पास बाकी है ना, मतलब तीन बॉन्ड और बनाएगा ये, तो तीन बॉन्ड और बनाएगा, तो दैट मीन्स तीन बॉन्ड और बनाएगा, ठीक है। तो तीन बॉन्ड और बनाएगा, यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन कार्बन तो हो चुका है, अब यहाँ पे क्या भराएगा, हाइड्रोजन भराएगा ना, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ भर देते हैं, समझ में आ रहा है। और ये कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अच्छा, डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में, इसमें डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया, ये कितना बना सकता है, चार बॉन्ड बना सकता है कार्बन, तो इसको कितना चाहिए, दो और चाहिए ना, जिसमें हाइड्रोजन भर देते हैं, दो और चाहिए। अच्छा, इसमें कितना चाहिए, एक चाहिए ना, एक, ये हो गया इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका डबल बॉन्ड और ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन का क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। ये सिंगल बॉन्ड वाला जो होता है उसको बोलते हैं अल्केन, क्या बोलते हैं, अल्केन, ठीक है। इसको क्या नाम दिए, अल्केन, इसको क्या नाम दिए, तो अल्किन नाम दिए, ठीक है, अल्किन। देखिए ENE है, इसमें ANE था, इसमें ENE है, और इसका जो नाम दिए हैं वो क्या दिए, अल्काइन, ठीक है, अल्काइन, समझ में आ रहा।
तो सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। ठीक। अच्छा, अब इसका बात करते हैं फॉर्मूला का। फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, कार्बन कितना है? दो है। कार्बन यहाँ पे कितना है? दो है। हाइड्रोजन कितना पीस है? 1 2 3 4 5 6। तो हाइड्रोजन 6 पीस हो गया। इसका बात करते हैं तो कार्बन तो दो है, हाइड्रोजन कितना पीस है? चार है। इसका बात करते हैं कार्बन कितना है? दो पीस है, और हाइड्रोजन भी कितना है? दो पीस है। समझ में आ रहा है? कार्बन दो, हाइड्रोजन छः, कार्बन दो, हाइड्रोजन चार, कार्बन दो, हाइड्रोजन दो। ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होगा? अल्केन का एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए, अगर अगर इस चीज को हम लोग एन मान लेते हैं। अच्छा, इससे पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस चीज को हम लोग एन मान लेते हैं, सी एन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है 2 का 2 गुना है, 2 का 2 गुना है, 4 है। तो इसको मानेंगे ना H2N, CNH2N, होगा कि नहीं? अगर यहाँ पे 2 रख देंगे तो यहाँ पे भी 2 रखना होगा, तो यहाँ C2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 × 2 4, तो C2H4 आ जाएगा ना ये चीज। तो CNH2N इसका क्या आ गया? जनरल फॉर्मूला था। आपको पूछेगा, अगर कोई पूछेगा कि अल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो CNH2N। ठीक। इसका क्या होगा? देखिए, इसका क्या होगा? तो देखिए, सी एन है, तो इसका ऐसे नहीं लिख सकते, सी एन एच एन नहीं लिखेंगे, बल्कि कैसे लिखेंगे? इस फॉर्म में लिखेंगे, तो CNH2N-2। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें माइनस हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, CNH2N+2। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला। अल्केन में प्लस टू करेंगे, 2N+2, इसमें 2N, इसमें -2। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे 1 से लेकर 10 तक का जो बॉन्ड बनेगा इसके बीच में, जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का 1 से 10 तक, तो वो किस तरह से बनता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ठीक है, और फिर सेचुरेटेड में एक जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? अल्केन, और अनसेचुरेटेड में दो पढ़े थे, अल्किन और अल्काइन। ठीक है, तो जिसमें अगर एक नंबर कार्बन होगा, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, पहले इसका 4 कॉलम बना लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर इसका नेम क्या होगा? ठीक है, उसके बाद अल्केन के केस में क्या होता है, अल्केन के केस में क्या होता है उसका स्ट्रक्चर भी देख लेंगे, अल्किन के केस में क्या होता है, और अल्काइन के केस में क्या होता है, ये भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग इतना चीज देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम, कार्बन एटम, सी एटम कर लीजिए यहाँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो अगर 1 रहेगा, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? मिथ पड़ेगा। ठीक है, मिथ, MeTH। अल्केन अगर होगा, अल्केन, तो इसका नाम पड़ेगा मिथ, और प्लस ये वाला आपको इंक्लूड कर देना, तो क्या है? ANE। अच्छा, मिथेन हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होगा? देखिए, एक कार्बन एटम तो मिथेन बना सकता है, लेकिन क्या एक कार्बन एटम जो होगा वो अल्किन बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि इसको कार्बन और कार्बन के बीच में डबल एटम चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता है, ये तो हो नहीं सकता है, इसको क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, तो ये नहीं बनाता है, क्योंकि इसको डबल बॉन्ड चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, इसमें क्या चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, दो नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा तो क्या होगा? दो नंबर, अगर दो नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा तो इसको बोलेंगे ईथ, ETH। अल्केन के केस में बोलेंगे इसको इथे। अच्छा, इसका पहले आप देख लीजिए स्ट्रक्चर थोड़ा मिथेन का। तो मिथेन जो होता है, इसमें फॉर्मूला क्या बताते हैं? CnH2n+2। ठीक है, तो CN, तो कार्बन ऑफ एटम कितना? 1, तो C1 हो जाएगा, और H2n, तो 2n, तो 2 और +2 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मिथेन का फॉर्मूला, CH4। ठीक है, ये तो बनाता नहीं, ये भी नहीं बनाएगा। दूसरा नंबर देख लीजिए, अगर कार्बन नंबर जो कार्बन एटम है उसका नंबर 2 रहेगा, मतलब दो कार्बन एटम रहेगा, तो उसको बोलेंगे इथ। ठीक है, इसको बोलेंगे इथेन। अब देखिए अल्किन में, तो अल्किन तो बना लेगा, क्योंकि इसको दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए, तो इथिन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा?
इथाइन, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका देख लेते हैं, इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला जो होगा वो इथेन है, मतलब टू है, तो सी एन मतलब सी टू, और एच टू इंटू टू प्लस टू, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, तो सी टू एच सिक्स, समझ में आया। इसका कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो सी एन एच टू एन, ये होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी एन एच टू एन माइनस टू, ठीक है। तो इथिन का क्या हो जाएगा, दो कार्बन एटम है तो 2 × 2 = 4, तो सी टू एच फोर, समझ में आ रहा। इसमें क्या हो जाएगा, सी टू एच, अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 − 2 = 2, सी टू एच टू, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सी टू एच सिक्स का, तो कैसे बनेगा, एक दो दो कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड बनता है अल्केन में, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब इसमें हाइड्रोजन भर देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। इसमें किस तरह से बनेगा, तो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन, अब क्या बढ़ता है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना, दो बना लिया तो दो हाइड्रोजन भर जाएगा, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन भर जाएगा, तो इस तरह से बना लेगा। इसका किस तरह से बनेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब हाइड्रोजन के कितना भराएगा, तो तीन बॉन्ड बना लिया पहले, तो एक और हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन, तो आप काउंट कीजिए, सी टू हो गया और एच कितना हो गया, टू हो गया। अब बात करते हैं तीन नंबर होगा, कार्बन एटम अगर तीन होगा तो किस तरह से बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मिथ इथ प्रोप, प्रोप इसको बोलेंगे, प्रोपेन इसको बोलेंगे, प्रोपीन और इसको बोलेंगे प्रोपाइन, ठीक है, समझ में आ रहा, प्रोपाइन बोलेंगे। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, तो कार्बन तीन है तो तीन हाइड्रोजन भर देंगे, तीन, तो ये तीन बना लेगा, 4 बॉन्ड हो गया। इसका कितना बॉन्ड हुआ, दो बॉन्ड हुआ, तो दो और घट रहा है, दो डाल देंगे। इसका एक बॉन्ड हुआ, तो मतलब तीन और चाहिए, तो तीन भर देंगे, ठीक है। तो सी थ्री और एच कितना हो गया, 3 3 6 8 2 8, C3H8, ठीक है। प्रोपीन का किस तरह से बनेगा, तो कार्बन चाहिए तीन, कार्बन चाहिए तीन, ठीक है, तो कार्बन चाहिए तीन। अब यहाँ पे इथीन है, क्या है, प्रोपीन है, और बॉन्ड कितना चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए, यहाँ कर लीजिए डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन आ गया ना, इसको सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड चाहिए, तो डबल बॉन्ड एक में दे देते हैं, ठीक है, किसी भी एक में दे सकते हैं आप, ठीक है, इसका कोई एथे नहीं है, तो ट्रिपल बॉन्ड एक में डाल दिया, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब क्या भरना है, कार्बन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भरते हैं, तो तीन बना लिए, एक चाहिए इसको, 4 हो गया, ये भी तीन बना लिए, इसको क्या चाहिए, तीन बना लिए इधर से और एक इधर से बना लेगा, तो 4 हो जाएगा, हो जाएगा ना, और इसका कितना हो जाएगा, 1 2 और ये 3। अब फॉर्मूला पे देखते हैं, फॉर्मूला पे आया कि नहीं, सी एन एस टू एन मतलब जितना कार्बन होना चाहिए, जितना कार्बन होना चाहिए, सॉरी यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, तो डबल बॉन्ड है। अब जितना कार्बन होना चाहिए उससे डबल क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, तो कार्बन कितना, 1 2 और 3, तीन है। अब हाइड्रोजन के लिए कितना है, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, 4 बॉन्ड बनाता है ना, 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड, 2 3 4, ठीक। तो हाइड्रोजन कार्बन कितना हो गया, 3 हो गया, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, इससे डबल हो जाए मतलब 6 होना चाहिए, तो काउंट कीजिए, 1 2 3, 3 हो गया, 4 5 6, तो कितना हो गया, C3H6, C3H6। अच्छा, इसमें बात करते हैं, तो इसमें कार्बन कितना, तीन कार्बन, तीन इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है, तीन बॉन्ड, तो किसी एक में तीन बॉन्ड डाल देते हैं, इसको सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, तो प्रोपाइन है। तो अब देखिए, अब कार्बन भरना है, तो ये तो तीन बॉन्ड बना लिया, इसको एक और चाहिए, तो एक और भर देते हैं, ये कितना बना लिया, तीन इधर बना लिया, एक इधर बनाया, 4 इसका कंप्लीट है। इसमें देखिए, ये एक बना है, तो मतलब इसको और कितना चाहिए, तीन चाहिए, तो 1 2 और 1 3 हो जाएगा ना। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए प्रोपाइन का, कार्बन तीन और हाइड्रोजन जो है वो कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 1 4, C3H4। अब देखते हैं, मिलाते हैं इस फॉर्मूला से, सी एन एच टू एन माइनस टू, तो C3 हो गया, तो H6 - 2 4 हो गया ना, C3
यहाँ पे बैठाइए, सी थ्री हो गया, एच टू थ्री जा सिक्स, एच सिक्स माइनस टू, तो सिक्स माइनस टू गया तो फोर, मतलब सी थ्री एच फोर, तो ये आ गया फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ 3 नंबर तक सीखे, अब जो है वो 4, 5, 6 भी सीख लेते हैं यहीं पे। तो देखिए, अगर कार्बन एटम 4 होगा तो इसका नाम होगा ब्यूट, क्या होगा ब्यूट, इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, BUT ब्यूट और ANE ब्यूटेन, इसको बोलेंगे ब्यूटीन, ब्यूटीन, ठीक है, और इसको बोलेंगे ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ठीक है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा, तो स्ट्रक्चर CnH2n+2 के फॉर्मूला पे ही, तो 4 कार्बन आइटम है, तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन अब भरना है, सब क्या बनाया, एक एक बॉन्ड बनाया, सब सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया, इस कार्बन की बात करते हैं तो एक बॉन्ड बनाया, मतलब 3 और बना सकता है, तो 1, 2, 3 बना लेगा, ये जो है वो 2 बनाया तो 1 और 2 ऊपर बना लेगा, ये जो है वो भी 2 बनाया तो 1, 1 बना लेगा, ये जो है 1 बनाया तो इसको भी 3 बना लेगा, है ना। हाइड्रोजन भर देते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सी कितना हो गया 4, और एच कितना हो गया, काउंट कीजिए, 4 नीचे 4 ऊपर 8 और 2 इधर 10, H 10। अभी फॉर्मूला पे लगाइए, थोड़ा चेक कीजिए सही है कि नहीं, तो C4 हो गया, तो H2N मतलब 8 और +2 तो 10, तो C4H10। ये फॉर्मूला पे आइए अल्किन वाला में, तो अल्किन ब्यूटेन बने, ब्यूटीन बनेगा, है ना, डबल बॉन्ड में, तो कार्बन इसमें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, जगह थोड़ा कम है इसमें, मैनेज कीजिएगा। तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड, तो ये आप हाइड्रोजन आप भर देते हैं, इतना देर से तो हाइड्रोजन भरने सीख ही गए होंगे, तो ये 2 बॉन्ड बना रहा, तो 2 बॉन्ड और चाहिए इसको, तो हाइड्रोजन भर देते हैं, ये 2 बॉन्ड बना लिया, ये 2 बॉन्ड बना लिया और 1 बॉन्ड इधर बना लिया, 3 बॉन्ड, तो इसको कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 हो गया, ये 1 बॉन्ड इधर बनाया, 1 बॉन्ड इधर बनाया, तो 2 बॉन्ड चाहिए, तो 1 ऊपर 1 नीचे, ये जो है वो 1 बॉन्ड बना लिया था पहले, तो 3 बॉन्ड चाहिए इसको और, तो ये हो गया 3। अब इसको चेक करते हैं, तो C4 और H कितना हो गया, 3, 3, 4, 7 और 1, 8, C4H10 आया कि नहीं, H8, ठीक है, तो CnH2n के फॉर्मूला पे आ गया C4H8। इसका बात करते हैं, तो फर्स्ट वाला के साथ ट्रिपल बॉन्ड रख लीजिए आप इस तरह से, आप बताइए, ये देखिए, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये पूरा कंपाउंड में ये ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी आ सकता है, यहाँ पे डालिए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तो हम फर्स्ट ही में डाल दे रहे, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक, इसको हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं, इसको अगर आपको लगता है कि ऐसे यहाँ डालना है तो वहां डाल देते हैं, तो यहाँ पे डाल देते हैं 3 बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो ये 3 बॉन्ड कंप्लीट कर लिया ना, और ये 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लिया, ये भी 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लिया, ये इसको कितना चाहिए, इसको कितना चाहिए, 3 चाहिए और, तो 3, इसको कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो हाइड्रोजन भर देते हैं, ठीक है, तो कितना हो गया, C4H6, फॉर्मूला पे लगाइए, C4CN C4 हो गया, ये 4 दुनिया 8 -2 6, 6 आ गया ना, तो ये आपको याद कर लेना है, फॉर्मूला याद रखिएगा, बाकी सब याद हो जाएगा, अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्किन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, ये है। उसके बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो कार्बन 4, कार्बन एटम 4, ANE लगा देना है, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूट इन ब्यूट आइन, ठीक, C4H10 C4H8 C4H6। अब जो है 5 कार्बन एटम रहेगा तो क्या करेंगे, तो 5 को बोलेंगे क्या, पेंट, PENT, ठीक है, पेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, पेंटेन, और ये आपका आ गया पेंटिन, पेंटिन शैम्पू, है ना, और ये क्या आ गया, पेंटाइन, पेंटेन, पेंटिन, पेंटाइन, वर्ब फॉर्म के जैसा याद करें, पेंटेन, पेंटिन, पेंटाइन, ठीक, तो पेंट, पेंट मतलब 5 होता है, तो 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5, अब 5 बन गया, अब सब में कार्बन भरना है, तो कार्बन भर लीजिएगा, 4 हो गया ना, हाइड्रोजन भर देते हैं,
इस तरह से हो जाएगा, काउंट कीजिए सी फाइव एच ट्वेल्व, देख लीजिए 3 2 5, 5 नीचे 10 और 2 12, इसका किस तरह से होगा, पेंटीन है तो मतलब 5 2 3 4 5, ठीक है। ये डबल बॉन्ड कहीं पे भी लगा सकते हैं, बीच में दायां बायां कहीं भी, ठीक है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए। तो 5 ले लिए, यहाँ पे लगा दिए डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन भरना है तो हाइड्रोजन कैसे भरेंगे, तो इसके बीच में पहले बॉन्ड बना लेते हैं, बन गया। अच्छा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये एक बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड और बनाएगा, ये 2 बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड और बनाएगा, ये कितना बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाए मतलब एक और बनाएगा, ये 3 बॉन्ड बनाए तो एक और बनाएगा, ये एक बॉन्ड बनाए मतलब 3 और बनाएगा। हाइड्रोजन भर देते हैं अब, ये हो गया फॉर्मूला, क्या हो जाएगा C5 और H10, मैच कर लीजिए फॉर्मूला से, इतना ही आएगा 3 और 3 और 2 5 8 8 1 9 और 1 10, ठीक है। पेंटाइन में क्या हो जाएगा, तो कार्बन 5 हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे भी लगा सकते हैं, हम यहाँ लगा दिए हैं, ठीक है। अब बॉन्ड बनाते हैं, तो इसको 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, ठीक है, चाहिए ना 3, सॉरी इसको 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए, 2 पहले से बना लिया, इसको कितना चाहिए, इसको कितना चाहिए, इसको 1 चाहिए, 3 और 1 4 कंप्लीट है इसका, इसका भी कंप्लीट है, इसका चाहिए 3। अब यहाँ पे देखिए सी कितना हो गया 5, और एच जो हो जाएगा वो कितना होगा, सी 5 एच 10 में से 2 गया तो 8, सी 5 एच 8, काउंट कीजिए 3 3 6 7 8, 8 हो गया सी 5 एच 8, तो ये ठीक है। तो 5 तक हो गया, 5 तक हम बता दिए, अब 6 अगर रहता कार्बन आइटम तो क्या बनता, हेक्सा उसको बोलते हैं, हेक्स हेक्स है ना, अल्केन में क्या बोलेंगे, हेक्सेन, अल्किन में बोलेंगे हेक्सिन, और अल्काइन में बोलेंगे हेक्साइन, ठीक है। 7 रहता तो क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं, एच ई एफ टी, हेप्ट, हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन। 8 रहता तो ऑक्ट, ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन। 9 रहता तो नॉन, नॉनेन, नॉनिन, नॉनाइन। 10 रहता तो डेक, डेकेन, डेकिन, डेकाइन, ठीक है। तो आपको सीनियर क्लास तक भी 10 तक के ही काम देगा, जनरली हम आपको 5 तक बता दिए, आपका बुक में 6 तक है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जो है वो कुछ टॉपिक बचा हुआ, तो बाकी जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं उसके लिए, क्योंकि अगर इसको अगर हम लोग और भी देखना चाहेंगे तो ये जो अभी हम लोग देखे हैं वो लॉन्ग चेन में देखे, ठीक है। ये जो अभी हम लोग बना रहे थे अल्केन, अल्किन और अल्काइन, वो हम लोग लॉन्ग चेन में देख रहे थे, अभी इसका ब्रांच चेन भी देखना है, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन का अभी हम लोग साइक्लिक चेन भी देखेंगे, ठीक है। तो रिंग फॉर्म में वो होता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और फंक्शनल ग्रुप जो होता है इसका हाइड्रोकार्बन का, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो। तब तक के लिए जय हिंद।